हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैल्केरिया फॉस्फोरिका। इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसके प्रूवर है डॉक्टर हैरिंग, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। ये शूजलस की 12 टिश्यू रेमेडीज़ के अंदर भी आती है। डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू कर्व, स्पेशली लॉन्ग बोन लाइक टिबिया, फिबुला, अल्ना एंड रेडियस, नॉन यूनियन एंड मल यूनियन ऑफ बोन्स। तो जहाँ पे भी डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई, ठीक है, या तो बोन्स जल्दी कर्व हो जाती है या फिर उनका अच्छे से यूनियन नहीं हुआ होता, तो उस बोन रिलेटेड प्रॉब्लम में कैल्केरिया बहुत इफेक्टिव है। फॉन्टेनल्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, स्पेशली पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। तो अगर क्या है, बच्चे के अंदर कोई कंप्लेन है कि भाई जो फॉन्टेनल्स है उसके अभी काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक क्लोज नहीं हुए, तो कैल्केरिया मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। कैल्केरिया फॉस पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स के लिए, एंटीरियर वाले के लिए कैल्केरिया काप। इमेशिएटेड बॉडी विद संकन फ्लैबी एबडमन, डिस्टेंडेड एबडमन इन साइलिशिया। तो इसमें बॉडी कैसी होगी पेशेंट की, इमेशिएटेड वीक होती है, और जो एबडमन होता है वो कैसा होगा, फ्लैबी होगा लेकिन संकन होगा। वीकनेस एंड रिलैक्सेशन, चाइल्ड इज स्लो इन लर्निंग टू वॉक ऑन अकाउंट ऑफ वीक एंकल्स, इनएबिलिटी टू स्टैंड। तो बच्चा कैसा होगा, उसके अंदर वीकनेस होएगी, रिलैक्सेशन होएगी, बहुत स्लोली लर्न करेगा, चलना नहीं सीखता वो जल्दी, ऐसा बच्चा। तो वो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके एंकल्स भी वीक हैं तो वो जल्दी बैलेंस नहीं बना पाते, तो उसमें कैल्केरिया बहुत इफेक्टिव है। क्रेविंग फॉर सॉल्टेड एंड स्मोक्ड मीट, हैम, बैकन। तो इसमें पेशेंट को सॉल्टेड और स्मोक्ड मीट का डिज़ायर होता है। डिस्पेप्सिया, वेयर पेन इज रिलीव बाय पासिंग विंड एंड टेम्पररी रिलीव बाय ईटिंग। तो डिस्पेप्सिया होता है, तो डिस्पेप्सिया मतलब कि इनडाइजेशन होना, मतलब अच्छे से डाइजेशन ना हो पाना, जिसकी वजह से जो पेन होगा वो खुली हवा में जाने से रिलीफ देगा, और टेम्पररीली थोड़ा खाना खाने से उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। कंप्लेंट्स एग्रेवेट वाइल थिंकिंग ऑफ देम, ज़्यादा सोचता है अगर पेशेंट तो उसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट होती हैं। फिस्टुल इन एनो अल्टरनेट्स विद चेस्ट कंप्लेंट्स। तो एनल फिस्टुला जब होता है पेशेंट को अगर, तो वो चेस्ट कंप्लेंट्स के साथ अल्टरनेट करेगा। जैसे एक कुछ टाइम के लिए फिस्टुला हो गया, अगर वो सही हुआ तो चेस्ट कंप्लेंट्स शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे ही अल्टरनेट करता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी ऑफ क्रॉनिक हाइड्रोसिफिलिस एंड इज मे बी गिवन एज अ प्रिवेंटिव टू द प्रेगनेंट लेडी हु हैड प्रीवियसली बॉर्न हाइड्रोसिफेलिक बेबीज। सो ये क्या है, हाइड्रोसिफेलिस मतलब कि फ्लूइड बढ़ जाना ब्रेन के अंदर। तो इस कंडीशन के लिए भी कैल्केरिया फॉस बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देते हैं, जिनका अभी पहले मतलब बर्थ हो चुका है, बेबी को दे चुके हैं, और उस बेबी के अंदर हाइड्रोसिफिलिस की हिस्ट्री है, तो जो नेक्स्ट बेबी है उसमें भी कहीं हाइड्रोसिफिलिस ना हो जाए, इसलिए एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन हम उसको मदर को दे सकते हैं। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट देयर इज कॉलिकी पेन इन एबडमन। जैसे ही वो खाना खाने का कोशिश करता है तो उसे पेन होने लग जाता है, उसमें भी कैल्केरिया फॉस दे सकते हैं। नमनेस एंड क्रॉलिंग सेंसेशन इन डिफरेंट पार्ट। पेशेंट को कैसे होएगा, नमनेस हो जाएगी, क्रॉलिंग सेंसेशन होती है, डेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीज होने के बाद उसमें वीकनेस रह जाती है। माइंड कैसा है, बैड इफेक्ट आफ्टर ग्रीफ एंड वेक्सेशन, ठीक है। बैड इफेक्ट किसकी वजह से, दुख की वजह से, वेक्सेशन, ठीक है, लाइफ में बहुत दुख था उसकी वजह से उसके अंदर ये सारी कंप्लेंट्स, बीमारियां शुरू होगी। पी विश फॉर गेटफुल इनवॉलंटरीली साइंग, ठीक है, हर बात पे थोड़ा भूल जाता है चीज़ें, बहुत पीविश है, जिद्दी है, लड़ाकू है, ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो समवेयर, कहीं ना कहीं जाने का मन करता है। कंप्लेंट्स एग्रेवेट वेन थिंकिंग अबाउट देम, जो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में पेशेंट सोचता है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है कैल्केरिया फॉस के बारे में। इसका हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।